हौसला बुलंद, खुद पे भरोसा, दिल में जज्बा, कुछ कर दिखाना है, भीड़ से हटकर हमें खुद की अलग पहचान बनानी है, सफलता के ताज को सिर पर रखकर एक नया इतिहास बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मलकी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विगी बागा कॉन्सेप्ट में। आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे और स्टूडेंट अपने अंदर एक जज्बा रखें, एक जोश रखें, हमें सफलता 100% मिलकर रहेगी, बस थोड़ा सा आपने क्या मेहनत करनी है। मेरे साथ मिलकर चले, जैसे मैंने जॉब प्राप्त किया आपको भी जॉब मिलकर रहेगी। बस आपने क्या करना है कि सिलेबस पर अपना ध्यान रखना है कि आपने कौन सी नौकरी प्राप्त करनी है, उसका सपना दिन रात देखें, रात को सोने से पहले देखें उसके सपने, उस जॉब के अपने आप को फील करें, उस जॉब पे आप लग चुके हो, सुबह उठे तो उसी वो फीलिंग है ना, वो दिखाएं अपने अंदर एटीट्यूड लेके आए कि हाँ मैंने जॉब प्राप्त करनी है और इसी जॉब पे लगना है। फिर अपने माइंड को प्रोग्राम करें, क्योंकि हमें गलत प्रोग्राम किया गया आज तक। हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, जो मेरे जीवन की सफलताएं हैं असफलताएं वो मेरे कारण है। सबसे पहले इस बात को ना दिल से एक्सेप्ट कर लें, जो कुछ हो रहा है वो आपके कारण है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपकी एक ही व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है आपके जीवन में सफल होने के लिए। वो पता है कौन है, जानते हो आप वो व्यक्ति पता है कौन है? सुबह उठ के ना शीशे में अपनी शक्ल देखना, जो शीशे में दिखाई दे रहे हो ना, यानी कि खुद तुम, वही आपकी मदद कर सकता है। बाकी सब लोग ना आपको सिर्फ उपदेश देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आज ही उठे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, हम किसकी बात कर रहे थे, परसेंटेज की। आज टाइप नंबर 4 की बात करें, बड़ी सिंपल छोटे छोटे टाइप है, थोड़े थोड़े मिनट की, 20-25 मिनट की वीडियो है, जिसे आप प्रतिशत का चैप्टर अच्छे तरीके से कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूँ सारी लाइफ तक, सब कुछ हम शॉर्टकट ट्रिक से कर रहे हैं सारी लाइफ तक ना, आप ना ये परसेंटेज का चैप्टर नहीं भूलोगे। अच्छा, आज की टाइप की बात करें, आज टाइप नंबर 4 कौन सी टाइप है, टाइप नंबर 4 स्टूडेंट, जो स्टूडेंट लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पहले 3 टाइप हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हाँ, एक वार्निंग है मेरी, यदि आप मेरे साथ अभी अभी जुड़े हो तो आपको लगातार कॉपी पेन उठा के बैठना है और उसके आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। अदरवाइज भाई ये कोई फिल्म नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं है कि आप सिर्फ बिना कॉपी पेन उठाए और देखा, और इतने कंप्यूटराइज तो हमारा माइंड है नहीं कि सब कुछ माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें यदि आपने सफलता प्राप्त करनी है, नहीं करनी है तो किसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा जी रहे हो वैसा जिए। लेकिन अपने आप से सवाल पूछें कि जो मैं अपनी लाइफ में जी रहा हूं, क्या मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पा रहा हूं, क्या मेरा जो स्टैंडर्ड है लाइफ का क्या वो बेटर है। यदि बेटर नहीं है तो सिर्फ आप एक तरीके से कर सकते हो अपनी लाइफ को स्टैंडर्डाइज, वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, आपको सिर्फ सिलेबस तैयार करना पड़ेगा अपना, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखिए परसेंटेज की टाइप नंबर 4, सबसे जरूरी क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बताएं स्टूडेंट। मैं हर बार बताता हूं वीडियो में, देखता हूं कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ओके, ठीक है, ओके, तो सही बात है आपकी। सबसे ज़रूरी क्या है मैथ करने के लिए कि आपको पहचान पता होनी चाहिए उस टाइप की। आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये मैथ की इस टाइप की है, और इसको देखते ही ना आप उस पर हिट कर पाओगे। तो इसकी पहचान क्या रहेगी, इसकी आइडेंटिफाई क्या रहेगी, जो परसेंटेज में आपको संख्या दी होगी, परसेंटेज में कोई नंबर होगा वो इक्वल टू किसके होगा, एक संख्या के, एक नंबर के। ओके, जब हम सवाल करेंगे उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा। और आपसे प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अधिकतर आपसे पूछा जाएगा कुल संख्या, क्या पूछी जाएगी, कुल संख्या।
बड़े सिंपल तरीके से हम करेंगे और बड़ी शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। विगी वागा कॉन्सेप्ट की जो अप्रोच है ना, उसके द्वारा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, कहीं पर इससे सुपर शॉर्टकट ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। तो देखें आज का फर्स्ट सवाल देखें, और ये सारी ट्रिक ऐसी नहीं है कि वही सवाल लेके आए आपके पास जो एक दो इक्का दुक्का सवालों पे अप्लाई होगा, फिर वाह वाह बटोर लेते हैं कि हाँ मेरी ट्रिक कामयाब होगी। मैं अलग अलग सवाल दिखाऊंगा और अलग अलग कमीशन के, जैसे रेलवे के, एसएससी के, एमटीएस के, आपके दिल्ली पुलिस के, हरियाणा पुलिस के, हरियाणा में जो एग्ज़ाम हो रही है, अदर कोई स्टेट के एग्ज़ाम, सभी में मैं दिखाऊंगा कि ये ट्रिक अप्लाई होगी और बड़े से बड़े सवाल पर अप्लाई होगी। तो देखें पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो नहीं दिया तो टेंशन ना ले। देखिए इस सवाल के अंदर क्या बताया गया, ये सवाल कौन से एग्जाम में एचएससी के एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में आया हुआ है। इसमें देखिए क्या बताया, कपड़े की एक दुकान में 40% कामगार जो काम करने वाले हैं वो पुरुष है, कितने परसेंट, 40%, यानी कि ये आपका आ चुका है परसेंटेज जो कितना है 40%। ठीक है जी, फिर इसने बताया यदि कपड़ों की दुकान में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या, अब 40% आपको क्या बता दिया, पुरुष कितने हैं यहाँ पर 100, यानी 40% इक्वल टू क्या दिखा दिया 100। तो दुकान में कर्मचारियों की क्या बताने, कुल संख्या ज्ञात करनी है। देखो जब आपको पता है कि 40% तो पुरुष है, अब 60% क्या लेडीज होंगी, नॉर्मल बात है, तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि यहाँ पर 40% का आपका आंकड़ा किसके बराबर है 100 के। लेकिन इस तरीके से आपने नहीं करना है, शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करोगे। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है याद रखे, ऊपर लिखिए आप संख्या, क्या लिखोगे सबसे ऊपर संख्या, बटे में जो उसका परसेंटेज दिया हुआ वो लिखे, गुणा में लिखे 100, क्या लिखोगे आप हमेशा 100। तो बड़े सिंपल सवाल है, तो करें अप्लाई इस ट्रिक को, तो देखें क्या होगा। कर दो साहब इसको, देख चल क्या साहब करना, देखें संख्या कितनी आपको 100, बटे में क्या लिखेंगे कितना परसेंटेज दिया हुआ है, गुणा में क्या लिखोगे आप हमेशा 100। तो करें सोल्ड, आपका आंसर आ जाएगा, तो 10 से 10 कैंसल आउट, और काटे इस पे 2 × 4 2 × 5 आ चुका है, 2 पे काटे यहाँ पर 50 आया, इन दोनों की मैं गुणा करूँगा कितना आएगा 250, जो आपका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन की बात करें, वेरी गुड, सी ऑप्शन ठीक है ना आसान। एक बार दोबारा मैं रिवीजन करवा देता हूँ, इस सवाल को मैंने सोल्ड कैसे किया, आपने क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी हुई है, यहाँ पर संख्या क्या थी आपके पास 100, बटे में लिखे उसका परसेंटेज कितना था 40, और हमेशा ये हमेशा रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर 100 रहेगा। तो आप इसको काट दे, वो आपका आंसर आ चुका था, जो हमारा कितना आया था यहाँ पर आपका, जल्दी बताएं, मैं इसको इससे भी काट सकता था, जो कितना आया था मेरे पास 25, कितना आया आपका 250, है ना आसान, कितने आसान है। तो हमारी ट्रिक क्या, संख्या बटे में उसका परसेंटेज गुणा में 100, संख्या बटे में परसेंटेज गुणा में 100, मेरे साथ बोले संख्या बटे में परसेंटेज गुणा में 100, दोबारा बोले मेरे साथ संख्या बटे में परसेंटेज गुणा में 100। इस तरीके से रिवीजन करें, देखें आप दिल से जुड़ोगे ना किसी चीज से, तो आपका रिजल्ट भी सबसे बेटर आएगा। तो देखें नेक्स्ट सवाल आपके लिए मैंने मार्कर छोड़ दिए, तो नेक्स्ट सवाल जल्दी जल्दी आपने करना है, एसएससी के सीजीएल एग्जाम 1999 एग्जाम, देखें कब का एग्जाम है, कईयों की डेट ऑफ बर्थ होगी 1999 जब का एग्जाम है, देखिए उसमें अब भी वही सवाल पूछे जा रहे हैं, और जो अभी अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम का प्रश्न पीछे हमने किया, अब पुराने एग्जाम का देखिए इसमें क्या बताया, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, 30 सेकंड का टाइमर भी लग चुका है। अच्छा टाइमर को देखते रहे, देखिए इसमें क्या बताया, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों, तो और 60% लड़के हैं तो 40% क्या होंगे, लड़कियाँ होंगी, सीधी बात है, लड़कियों की संख्या यानी 40% किसके बताया इसने 972 हो, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अब आपसे परसेंटेज किसका पूछा गया, लड़कों का पूछा गया कि कुल कितने लड़के हैं वो आपने निकालने हैं।
तो फटाफट करें कमेंट बॉक्स में आंसर दे। अच्छा हाँ, गुणा में यहाँ 100 नहीं लगाओगे आप, याद रखें। संख्या बटे में परसेंटेज, यानी कि लड़कियों की संख्या 972 है, बटे में क्या आएगा, कितना आएगा, 40, और गुणा में 100 नहीं आएगा। सिर्फ कुल नहीं पूछेंगे आपसे यहाँ पर, सिर्फ लड़के पूछेंगे जो कितने थे, 60%, गुणा में यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 60%। तो फटाफट करें इस सवाल को, जल्दी जल्दी करें, बड़े सिंपल सवाल है ये, और लगभग मैंने सभी कुछ आपको बता ही दिया, तो आपका लगभग टाइम भी खत्म हो चुका है। तो मैं कमेंट बॉक्स की बात करूं, वाह वेरी गुड, धजिया उड़ा दिया आपने। हाँ, एक और, जिस तरीके से आप यहाँ धजिया उड़ा रहे हो ना, एक काम और करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके कि उनके लिए भी मैथ सबसे आसान चीज़ है। तो यहाँ पर बात करें, लड़कियों की बात कर रहे थे हम, लड़कियाँ कितनी हैं यहाँ पर, 972, कितने इसका परसेंटेज कितना है हमारे पास, 40 है ना, और सिर्फ आपसे पूछा गया यहाँ पर 100 नहीं लगाओगे गुणा में, क्यों नहीं 100 लगा रहा है, यदि कुल पूछूंगा तो कुल की, देखो किसी संख्या का कुल कितना होता है, 100% ही होता है ना, तो कुल पूछे तो 100 लगाओ, अदरवाइज जितना पूछे उतना लगाए। यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, लड़के के, और लड़के कितने परसेंट है यहाँ पर, 60% है ना, तो मैं यहाँ पर 60 लगाऊंगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि मैं यहाँ पर 60 क्यों लगा रहा हूँ, यदि कुल पूछता तो मैं यहाँ 100 लगाता। चलो देखिए, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 से काट दे 2, यहाँ पर कितना आया 3, अब 2 से ये भी कट जाएगा। 2 से काटने का तरीका क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या वो अंक इकाई का होना चाहिए जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, तो काटे 2 है लास्ट में, 2 चौके 8, 1 हासिल पीछे गया 17, यानी कि 2 अठे 16, 1 हासिल 2 छके 12। अब इन दोनों की गुणा कर दे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करें कितना, 18, 1 हासिल 24, 24 और 1 25, 2 हासिल 12, 12 और 2 कितना आया आपके पास, 14, यानी कि 1458 जो आपका सही आंसर रहेगा। वो आंसर किसके लिए है, सिर्फ लड़कों के लिए है। तो आपका ऑप्शन क्या, ओ हाँ यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, जो आपके कमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो समझ आई, आपने कुछ भी नहीं किया, संख्या बटे में उसकी परसेंटेज गुणा में जिसके बारे में पूछा गया वो लिख दे, आपका झट से आंसर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे दिखाया जाता है आपको, 30 सेकंड से पहले पहले कमेंट बॉक्स में आपने अपना आंसर देना है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, जो आपका HSC एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में आया हुआ है, जल्दी फटाफट करें इसमें, इसमें क्या बताया, प्रत्येक महीने राम अपने वेतन का 45% खर्च कर रहा है, वाजिबा उड़ाए जाओ 45%, और 4400 रुपये की बचत करता है, ये बचत कितनी कर रहा है, 4400, जो परसेंटेज में कैलकुलेशन करे वो कितना होगा आपका खर्च, तो देखो 100% है आपके पास, पहले समझे इस बात को, आपके पास क्या है, 100% है ना, 100% में आपने क्या किया, 45% उड़ा दिया, अब आपके पास कितना परसेंट बचा, 100 में से 55 बचा ना, वो आपकी बचत है, जो कितनी है आपकी पे है, यानी कि संख्या बटे में क्या आएगा, 55 आएगा। और आपसे क्या पूछा, उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन क्या होता है, जो टोटल उसको मिल रहा है, यानी कि 100% गुणा में क्या करोगे आप, 100%। तो यहाँ पर क्या है, संख्या बटे में 55 गुणा में 100, जल्दी फटाफट करें, आप टाइमर आपका लग चुका है, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कितना है 9000, बी की 8800, सी की बात करें 8000, डी की बात करें 8500। 30 सेकंड भी आपको इस ऑप्शन के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको लगभग बता ही दिया कि ये सवाल आप कैसे सोल्व करोगे। तो फटाफट करें इसको, लगभग मैं आपको 30 सेकंड भी देता हूँ, टाइमर लगभग खत्म होने वाला है, जल्दी करें, थोड़ा सा टाइम है, घड़ी की सुई टिक टिक चल रही है, फटाफट करें। तो देखें आप इसमें क्या बताया आपको, 4400 संख्या को सबसे ऊपर बटे में, ये किसके परसेंटेज के बराबर है, 55 के है ना, गुणा में क्या करोगे, 100 के बारे में पूछा गया, तो काट दे फटाफट, मैं 5 से काट सकते हैं, 5×5 कितना आया, 5×2×10, यानी कि 20 आ चुका है, 11 पे ये फिर कट गया, 11×44, यानी कितना 400 आ गया, दोनों की मैं गुणा ठोकूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास जी, 8000। है ना आसान, सिंपल, छोटी सी बात याद रखनी है, वो बात क्या थी आपकी, संख्या बटे में इसी का परसेंटेज
गुणा में जिसके बारे में पूछा गया, यदि 100 के बारे में कुल पूछा गया तो 100 लिखें, यदि अदर छोटा मोटा पूछा गया जैसे उसमें 60% पूछा गया तो आप 60 लिखोगे, जो कुछ पूछा जाए उसके अनुसार आंसर दें, है ना आसान, बड़ा सिंपल है सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, फटाफट इसका आंसर आना चाहिए नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जल्दी करें फटाफट। ये SSC के एग्जाम डाटा एंट्री ऑपरेटर 2012 में पूछा गया था। इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया आपसे, 2008 में क्या पूछा गया, 2008 में, टाइमर अभी लगानी है, पहले समझ ले सवाल को क्या बताया इसमें। 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, 31% ने क्या कर दिया, कर दे दिया, कंप्लीट कर दिया, कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं, अच्छे निकम्मे या लोग हैं कितने, तब आपने क्या बताना, कुल कर्मचारी यानी कि 100% निकालना है। तो अब आपका टाइमर लग चुका है, फटाफट करें। ए ऑप्शन की बात करें 31,160, बी की बात करें 64,750, सी की बात करें 30,000, डी की बात करें 66,775। तो फटाफट इसको करने की कोशिश करें, बड़े सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है इन सवालों के अंदर। लगभग आपका टाइम खत्म होने वाला है, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2012 में पूछा गया था ये सवाल, फटाफट करें इसको, आपका लगभग टाइम समाप्त हो चुका है, 30 सेकंड ज़्यादा नहीं दे सकते, आपको 30 सेकंड से भी पहले करना था तो आपका टाइम समाप्त है। अब देखिए मैं कमेंट की बात करूँ, एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, C, C, D, C, वेरी गुड, C सही ऑप्शन होगा, जिन बच्चों का आया उन्हें धजिया उड़ाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, इस तरीके से करते रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या करना आपने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊँ, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यू होते हैं उतना ही हमें ना एक मोटिवेशन मिलता है और हम दगा दगा आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि 31% ने तो अपना कर्जा दे दिया, अब देखो 100% में, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, 100% में 31 निकल जाएं तो कितना बचेगा आपके पास, 69 बचेगा ना, तो वो 69 बचा परसेंटेज वो किसके बराबर है, आपको क्या बताया, शेष कर्मचारी, ये शेष बचा ना, 31 तो दे चुके हैं, ये तो खत्म हो चुके हैं, ये तो निकल गए चक्रव्यूह से, अब क्या बचा आपके पास, 69 जो किसके बराबर है आपके पास, 20,700। और आपका तरीका आपको पता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट का है, हमारे बिगी बागा की जो अप्रोच है वो क्या कहती है कि जो संख्या कितनी है आपके पास, कितनी है जल्दी बताएं, 20,700 बटे में क्या करोगे उसका परसेंटेज, गुणा में करोगे जो आपसे पूछा क्या गया, कुल के बारे में पूछा गया ना, 100 के बारे में पूछा गया, तो काट दे, मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 300 आएगा, 300 ही गुणा मैं किससे करूंगा, 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 30,000, क्यों 20 ये 20 ये, तो मेरे पास टोटल कितने कर्मचारी आ चुके हैं, 30,000 कुल, तो है ना आसान। कई बच्चों ने अच्छा जवाब दिया, सी ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या है, सी रहेगा। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट करें, यह सवाल HSC के हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2016 में, तो करें स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, 30 सेकंड का टाइमर भी लग चुका है, तो करने की कोशिश करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, जब आप वीडियो को हमारी लाइक करते हो ना तो हमें ना एक खुशी मिलती है, हमें यह लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ी सी अपनी कोशिश जारी रखें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़ें ताकि हमें भी ना एक मोटिवेशन मिले। तो फटाफट देखें इस सवाल में क्या बताया गया था आपको, परीक्षा में पास होने के लिए कितना 40% टोटल नंबर चाहिए, एक विद्यार्थी के अंक प्राप्त करता है और 55 नंबर से फैल हो गया, यानी कि आपके 65 और 55 को जोड़ दोगे पास मार्क आ जाएगा, जो किसके बराबर है, 40% के। अब उसने क्या बताया, उस परीक्षा में विद्यार्थी कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था, यानी कि मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम क्या हो सकता है आपके पास, 100%। तो देखें मैं यदि यहाँ कमेंट की बात करूँ तो कौन कौन बच्चा जवाब दे रहा है, ओके
ठीक है, लगभग बच्चे जवाब दे रहे हैं और मुझे खुशी मिली कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करोगे, आपके पास क्या संख्या दी है, 40%। अब 40% क्या था आपके पास, पास होने के लिए नंबर मिनिमम, तो कितने थे 40%। जो टोटल, देखो ये परसेंटेज की बात है, अब नंबर की संख्या की बात करो, वो कितने थे। इसने कहा कि उसने कितने प्राप्त किए, 665, लेकिन फेल कितने से हो गया, 55 से। यानी ये टोटल ये नंबर 40% के बराबर है। यदि उसके 55 नंबर होर आ जाते तो वो पास हो जाता ना। तो पास होने के लिए भाई उसको कितने नंबर चाहिए, तो 0, 1 हासिल, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, 2, 1 हासिल, कितने, 320। यदि 320 नंबर आ जाते उसको, कितने नंबर आ जाते, 320 नंबर आ जाते, तो वो बच्चा पास हो जाता। तो इसका मीनिंग क्या है, 40% किसके है, 320 के बराबर। और आपको पता संख्या 320 आ गई, बटे में क्या रखोगे, 40% गुणा में टोटल पूछा गया, तो लिख दे आप कितना है, 100। तो काट दे, वो आपका आंसर रहेगा, 1 0 से 1 0 कट चुका है, तो मैं काटू 4 × 4 कितने पे कटेगा, यहाँ पर आपके 4 × 8 कितना होगा, 32 होगा, तो 8 पे कटा, 8 की गुणा मैं 100 से करूँगा, तो कितना आएगा आपके पास, 800। ये मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, यानी कि कुल नंबर कितने आपके, 800। मैक्सिमम के लिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, 100%, टोटल 100% निकाल रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि 800 कैसे आया। तो हम अपने ऑप्शन की बात करें, तो आपका ऑप्शन क्या ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 800 ठीक रहेगा। और ये एग्ज़ाम कौन सा है, हरियाणा पुलिस के कॉन्स्टेबल में मेल के एग्ज़ाम में आया था 2016 में, है ना आसान। इस तरीके के हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसमें आपके कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जब भी इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।